हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का 10 दिन पूरे हो चुके हैं और 10 दिन का सफ़र हमारा आज पूरा हो चुका है। मेडल्टी आज 6 है, 6 होगी मेरे ख्याल से, 6 निकाली मैंने। तो छोटे हैं, 2-3 छोटे हैं, बाकी दो दिन बड़े हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सी ठंड है, क्योंकि मैंने ना क्या किया है कि जो जो ऊपर है ना पर्दा खुला रखा है, इनको ज़्यादा नुकसान होगा गैस से, अमोनिया गैस से। तो इतना खुला रखा मैंने, तो इससे कोई परेशानी इनको नहीं होगी जी, इससे इनको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हवा तो यहाँ पर आएगी नहीं, लेकिन गैस यहाँ से चली जाएगी जी। तो बाकी बर्ड हमारा बिल्कुल फ्रेश है, ओके है। अगर मैं इसको बंद भी कर दूंगा ना रात को, तब भी ये ऐसे ही सोएगा, तब भी ये ऐसे ही बैठेगा, चाहे खोल दूं चाहे बंद कर दूं, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा। इनको इनको आदत है, चिपक के सोने की आदत है इनको, एक दूसरे के साथ सोने की आदत है। बाकी चिक्स बिल्कुल ओके है, फ्रेश है। तो फीड डाली थी रात को पूरी, ऊपर भर तक, ऊपर तक, अब तक ये काफ़ी हद तक खा चुके हैं। वो आप समझ लीजिए, अगर बच्चा आपका वेट अच्छी कर रहा है, फीड अच्छी खा रहा है, पानी अच्छा पी रहा है, तो समझ जाइए कि आपका बर्ड बिल्कुल फ्रेश है, ओके है, कोई बीमारी नहीं है जी। तो कुछ बर्ड मेरे ऐसे हैं जो कि बीट पतली कर रहे हैं। तो बीट पतली करने का कारण क्या है कि इनको फीड पच नहीं रही जी, फीड नहीं पच रही इनको, इनका मतलब ये बनता है। तो मैं इनको कोशिश करूँगा हल्दी देने की। पहले मैं सोच रहा था न्यू माइसिन, तो न्यू माइसिन से पहले मैं हल्दी दूंगा इनको जी। तो हल्दी देकर इनको मैं, मतलब कि 2 दिन हल्दी दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, 2 दिन हल्दी दूंगा, एंटीबायोटिक होती हल्दी, 2 दिन दूंगा, और इनके जो अंदर इंटरनल कोई भी कुछ भी होगा ना, उससे वो ठीक हो जाएगा हल्दी के कारण। हल्दी तो बहुत अच्छी है हमारे लिए भी और जानवरों के लिए भी। अगर आप हल्दी दूध में पीते हो, अब इंसान के लिए बोल रहा हूँ, वो सबसे बढ़िया है, हफ्ते में 1-2 बार। अगर चोट पर लगाते हो वो भी सबसे बढ़िया है, और सेम चीज़ इनके ऊपर भी है। अगर हम इनको फीड में मिलाकर देते हैं तो भी बढ़िया है, और अगर हम पानी में घोल कर देते हैं तो भी सबसे बढ़िया है जी इनके लिए। तो उससे इनका फ़ायदा बहुत होगा, हल्दी से इनके जो अंदर की जो भी जिससे फीड पच नहीं रही वो ठीक हो जाएगी, कोक्सी जो होती है थोड़ी बहुत वो भी ठीक हो जाएगी, बीट भी ठीक हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें इनसे ठीक हो जाती हल्दी से, हल्दी का फ़ायदा बहुत है, बस हल्दी इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, तो उसका फ़ायदा तो बहुत है जी। तो दोस्तों बाकी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी ने शेड डालना है, ओपन ओपन शेड डालना है, वो भी डबल, तो प्लीज़ ऐसा डालिए, ये वाला 5-5 फिट के गैप में मैंने डाले हुए हैं गार्डर, ठीक है। अंदर से मेरा 30 फिट है, 30 फिट ज़्यादा ना कीजिए, अगर ओपन करना है तो 30 फिट से कम रखिए, ज़्यादा ना कीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5-5 फिट गैप में मैंने दिए हुए गार्डर, तो इस पिलर से उस पिलर की डिस्टेंस है 10 फिट, 10 फिट का है, और बीच में भी मैंने एक दे दिया है ये गार्डर, इससे एक स्पोर्ट इसमें हो जाएगी, एक इसमें हो जाएगी, फिर एक उसमें हो जाएगी, एक स्पोर्ट गार्डर में रहेगी 5-5 फुट गैप में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने शेड को बनाना है। तो और मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, मेरे से तो वो हो नहीं पाया जो मुझसे गलती हुई है। आपने ऐसा करना है, इन फ्यूचर मान लीजिए अगर आपको
शेड को ओपन से ईसी करना है इन फ्यूचर, अगर आपने बनाना है ओपन बनाना लेकिन इन फ्यूचर ईसी करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर ये जो दीवार है ना पीछे की तरफ जहाँ पर जैसे मैंने एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं गंदी हवा बाहर निकालने के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने ज़मीन से 1.5 फीट ऊपर जाकर, ज़मीन से 1.5 फीट ऊपर जाकर 4.5 फीट का 4.5 फीट इधर 4.5 फीट ऊपर से एक वो बना लेना है, जैसे मैंने बनाया हो ना बॉक्स बना लेना है ईंटों का, ठीक है, उसमें जाली लगा देनी है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे करके दो यहाँ हो गए दो यहाँ हो गए, तो ऐसे करके 4 बना लेना, ठीक है, और सेम ऊपर बना लेना अगर डबल करना होगा तो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर आपको इन फ्यूचर फार्म को ईसी करना है तो आप आसानी से वहाँ पर पंखे फिट हो जाएंगे, क्योंकि जो पंखे होते हैं वो होते हैं 54 इंच के, 54 इंच के 4.5 फीट के पंखे होते हैं जो एग्जॉस्ट फैन लगते हैं बड़े, तो आपके लिए कल को आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने लगाए हुए हैं ना ये वाले, ये आप मत लगाना, आपने क्या करना है, आपने लगानी है निप्पल ड्रिंकर, ये तो मेरे को मुझको पड़ गया 45,000 से ये पूरा माल पड़ गया ये वाले इनका, अगर मैं अगर 40,000 और ज़्यादा पैसे खर्चता उस वक्त तो मैं निप्पल ड्रिंकर लगा सकता था, तो निप्पल ड्रिंकर के साथ बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत बच जाएगी, ठीक है ना, साफ़ करने की दिक्कत खत्म हो जाएगी और कई चीज़ों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी, गंदा पानी नहीं होगा, सब कुछ ओके रहेगा, सब कुछ फ्रेश मिलेगा और लीटर गीला नहीं होगा, उससे ये फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर कल को आप ईसी फार्म करते हो तो उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ पंखे लगाने पड़ेंगे और कूलिंग पैड लगाने पड़ेगी, फीडर आपके यही चल जाएंगे अगर आपको सेमी ईसी बनाना है तो, ठीक है, बस ये है। और ये हो गया सिंगल शेड, अब मैं आपको लेके जाता हूँ ऊपर शेड, अपने ऊपर दूसरी शेड के लिए ऊपर लेके जाता हूँ। अगर किसी ने शेड डबल बनाना है तो ऐसे बनाएं, ठीक है, इस तरीके से अगर आप ओपन शेड बनाते हैं तो सही रहेगा। अगर आपने ईसी शेड बनाना है सिंगल, वो भी मैं बताऊँगा कैसे बनना है। ये बहुत मतलब कि ये जो शेड है ना ये वाला मेरा, सर्द गर्मियों में सबसे बेस्ट है और सर्दियों में भी सबसे बेस्ट है, इसमें टेम्परेचर बहुत अच्छे तरीके से बनता है, बहुत अच्छे तरीके से जी, चाहे वो इसी को इसी कर लीजिए, अगर ये मैं इसी कर लूँगा ना, मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट शेड बनेगी मेरी इसी, सबसे बेस्ट, इसमें हवा भी क्रॉस नहीं होगी, सीधी हवा आएगी। तो ओके दोस्तों, मैं आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ, आपको ऊपर की शेड ये है बाल्टी हमारी आज की, तो ये खलारा खलोरा पड़ा हुआ है, अकेला हूँ, क्या कर सकते हैं भाई, धीरे धीरे इसको करूँगा, समेटूँगा, ये फीड है तो ये ऊपर है, अंदर की पौड़ी मैंने रखी जैसे मैंने बताया था, ऊपर थोड़ी बहुत सफाई करनी है, मतलब कि ओके सब कुछ, जैसे ये शेड है ये है ऊपर, ये 10 फीट के गैप में मैंने दी है चैनल, ठीक है, ये पाइप है, पाइप जिसकी सपोर्ट से ये ऊपर सीमेंट की चादरें खड़ी हुई हैं, ठीक है, तो अगर आपने डबल करना तो इस तरीके से करना, ठीक है, और 20 फीट के गैप में, 15 फीट के गैप में आपने देना है आरसीसी पिलर, ये आरसीसी पिलर, इसके मजबूती और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हूँ अब बात आती है, ये तो होगा ओपन शेड, ठीक है, इसमें छत जैसे डालनी है ओपन शेड में, डबल डालना है तो, अगर आपने डालना है सिर्फ सिंगल शेड डालनी है और डालनी है इसी शेड डालनी है सिंगल, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शेड डालनी पड़ेगी ऐसी, बिल्कुल ऐसी, ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये अगर आप इसके साथ तेगा लगाकर टाई बीम लगाकर ऊपर 2-3 बार ईंटों को डालते हो तो फिर ये जो होता है ना क्रॉस वाले ये चीज़ें, ये आपका क्या होगा, इससे आपकी ये सीमेंट लग जाएगा और हवा आर पार नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इस पर नहीं करते तो मेरा जो दूसरा शेड है ना हमारा इसी शेड दूसरा जो है उससे हमारी गलती ये हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ लगा था, इतने फार्म मैंने डलवा दिए लेकिन अपने फार्म में मैंने गलती कर दी, लेकिन ये जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस फार्म में मैंने सब कुछ किया ओके, लेकिन उस फार्म में पता नहीं मैं किसके कहने पर ये कर दिया,
तो मुझसे गलती हो गई वो वाली, ठीक है। तो चलो वो अलग बात है। तो अब ऐसे करोगे तो सही रहेगा, सर्दियों में रहेगा, फिर सर्दियों में हवा बाहर नहीं, जो गैस पनी सॉरी जो टेम्परेचर बनेगा वो टूटेगा नहीं, अंदर रहेगा, ठीक है। और दूसरा, जब पंखे चलेंगे वहाँ से हवा खींचेगा, कूलिंग पैड से हवा आएगी, तो वहाँ से हवा क्रॉस नहीं होगी, टूटेगी नहीं हवा, उसका बिल्कुल फ्लो यहाँ पूरा पूरा फ्लो बनकर आएगा, वहाँ तक जाएगा पूरा फ्लो, उससे चूचा बिल्कुल फ्रेश रहता है। और ऐसा चेक ऐसा डालोगे तो आपको क्या करना है, ये जो पिलर मैंने डाला, ये बड़ा डाला हुआ है, ये ओपन शेड के लिए है, बड़ा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको आरसीसी कर देना है, बिल्कुल हल्का, चार सरिये डालने हैं, आरसीसी कर देना है जो बीच में सेंटर में है, ठीक है। कैंची नहीं डालनी, कैंची डालोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई, मैंने डाली कैंची, बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये जो शेड है ना, ये सबसे बढ़िया, एक पैप बाहर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये 30 फीट है, ठीक है, 30 फीट है, और मैंने 5 5 फीट के गैप में पैप दी हुई है, और चैनल दिया हुआ जो इधर को है, जिसने संभाला हुआ है ये चैनल, 10 फीट के गैप में, 10 फीट के गैप में चैनल दिए हुए हैं, ठीक है। और बीच में आपने करना है आरसीसी पिलर, आरसीसी करोगे तो सस्ता पड़ जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक है। तो अगर आप कैंची डालते हो तो मैं बोलता हूँ जितने का शेड आपका डलेगा ना, उतने की कैंची डलेगी, लोहा भाई बहुत महंगा है, उससे ज़्यादा आपकी कैंची डल जाएगी, मतलब कि हमारा कैंचियों में 6 7 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग गया, मतलब कि 6 7 तो नहीं, 5 6 लाख हमारा एक्स्ट्रा लग गया कैंचियों में ही, सिर्फ अगर हम इस तरीके से डालते ना, या ऐसे में ऐसे चीज़ डालते तो इसको थोड़ा कम कर देते, बाकी सेम चीज़ ये डाल देते। अगर ये भी नहीं डालना, आपने जो नीचे मैंने आपको बताया ना गार्डर बताया जो मैंने आपके, उसको खड़े कर कर ना, इससे टांके लगवा कर खड़े कर कर ज़मीन में गाड़ दो, 2.5 फीट जमीन में जाएगा, उसमें आप आरसीसी कर देना, मतलब कि पिलर जैसे बना देना नीचे, ठीक है, सीमेंट वगैरह देकर, और सेम ऊपर खड़ा कर देना इसको, गार्डर को सपोर्ट, ऊपर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ओके होगा। अगर आपको ओपन शेड बनाना है, वो भी सिंगल बनाना है, तो फिर ये भी उसकी उसमें भी ये छत चलेगी, क्योंकि जो नीचे छत है जो मैंने डाली हुई है ना, जैसे ये छत है इसके नीचे, अगर यहाँ पर बारिश आ जाती है तो ये मिट्टी ख़राब हो जाएगी, इससे मिट्टी ख़राब होगी, फिर आपका छत टपकनी शुरू हो जाएगी, समझे मेरी बात को। तो इस तरीके से आपको छत बनानी पड़ेगी, इस तरीके से, चाहे ओपन हो, चाहे ओपन हो, चाहे ईसी शेड हो, अगर सिंगल बनाना है तो, अगर डबल बनाना है तो सेम जैसे मैंने नीचे है सेम ऊपर ले लीजिए आप, ठीक है। और सेंटर में जरूर देना है कुछ ना कुछ, अगर सेंटर में नहीं दोगे तो कैंची चलेगी, अगर कैंची दोगे तो भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा, कैंची बिल्कुल नहीं देनी, बिल्कुल कैंची नहीं देनी। मेरी ऊपर की छत पता कितने की बड़ी है, पूरी 180 फुट लंबी है और 30 फुट चौड़ी है, 30 फुट चौड़ी है मेरी ऊपर की छत बनी है 3.5 लाख विद लेबर, और नीचे की भी सेम 3.5 लाख विद लेबर जी। तब मुझे लोहा पड़ा था 70 रुपये केजी के हिसाब से, ठीक है, लोहा का जो है ना वो लोहे के हिसाब से जो सब कुछ आएगा, 70 रुपये केजी के हिसाब से आएगा मेरा लोहा, 70 रुपये केजी के हिसाब से हमारा लोहा आया था, ठीक है। तो ईंटें उटें आपके हिसाब से, जहाँ जितनी मेरी ईंटें लगी थी टोटल, ये जो मेरा फार्म है इसमें ईंटें लगी थी मेरी 57,000, ठीक है, 57,000 56,000 ऐसे कुछ था, 56,000 55,000 ईंटें लगी थी मेरी विद नी नी जो है ना, नीम जो मैंने डाली हुई है, मैंने नीम डाली हुई है अपने क्या नाम उसका, ज़मीन से 2.5 फीट ऊपर जाकर, 1 फीट नीचे 2.5 फीट ऊपर जाकर, तो काफ़ी सर्कल घूम जाता है उधर, इससे ईंटें ज़्यादा लगती हैं नीचे, लेकिन मैंने पूरा मजबूत बनाया। नीचे ईंट लगाई हुई है मैंने 60 ईंट, जैसे सड़ी हुई ईंट होती है ना वो मजबूत होती है, वो लगाया हुआ है मैंने नीचे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, काफ़ी कॉस्ट बचा सकते हैं। ये जो मेरा फार्म बना हुआ है, ये मेरा बड़ा फार्म बना हुआ है 17 लाख रुपए का पूरा, ये फार्म मेरा टोटल 17 लाख का जी। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोशिश ये कीजिए, निप्पल ड्रिंकर लगाइए, और वहाँ पर जो पीछे दीवार पड़ी हुई है, जो पीछे दीवार होती है उसको आप 56 इंच, मतलब 2 इंच ज़्यादा ही, 2 से 3 3 इंच सर्कल में उसको ज़्यादा ही छोड़ना, तो उसमें बाद में जाली लगवा लेना, पर्दे लगा लेना, ठीक है। कल को ईसी सेट करना हो तो आराम से हो जाएगा, ज़मीन से 1.5 फीट ऊँचे जाकर, ज़मीन से 1.5 फीट ऊँचा जाकर फिर छोड़ना बॉक्स को,
चार बॉक्स छोड़ना, अगर 30 फीट है, अगर 35 फीट करना है तो 5 बॉक्स छोड़ना, अगर 32 फीट करना है तब भी 4 बॉक्स छोड़ना, अगर 35 से ऊपर करोगे तो फिर 5 बॉक्स करेगा, 40 फीट करोगे चौड़ा तो फिर बॉक्स चलेंगे आपके कितने, 5, तब भी 5 चलेंगे, ठीक है। और ये जो चैनल कर लगाओगे आप बीच में, तो इसका कम से कम इसका वजन होना चाहिए फुट, एक फिट के पीछे 1.5 kg, एक फिट के पीछे 1.5 kg। और ये जो पाइप है, ये पाइप में पाइप का वजन होना चाहिए, 20 फिट की पाइप होती है तो 20 kg, 18-19-20 kg ही वजन का होना चाहिए, ठीक है। और जो गार्डर नीचे दिए हुए हैं, मैंने बताया गार्डर का भार होना चाहिए एक फिट के पीछे कम से कम 2.5 kg, कितना, एक फिट के पीछे 2.5 kg, जिससे वो क्या होता है, इससे ये इसके ऊपर भार पड़ेगा तो ये अपना भार संभाल लेगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अगर हल्का डालोगे ना लोहा, हल्का ही मिल जाता है, अगर हल्का लोहा डालोगे मतलब कि जिसमें वजन कम होगा, तो उससे क्या होगा, उससे ये नीचे आ जाएगा एक टाइम पर, ठीक है। तो मेरा बिल्कुल नीचे नहीं आया, हमारे आसपास के कई फार्म हैं उसके गार्डर नीचे आ गए, क्योंकि उन्होंने गार्डर डाले हुए हैं फिट के पीछे 1.5 kg पैसा बचाने के चक्कर में। लेकिन इसी में पाई छत मजबूत हो तो नी मजबूत हो ना, वो जो पास में जो ये होता है ये मजबूत हो, तो कभी भी आपका शेड नीचे नहीं आएगा। मेरा शेड बिल्कुल नीचे नहीं आया, ओके। लेकिन कईयों के क्या हुआ, ये जो गार्डर है ना ऐसे नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, किस क्यों, कारण क्या है, कारण ये है कि उन्होंने एक फीट के पीछे 1.5 kg या 1 kg का वजन लिया। लेकिन मैंने क्या खुद बनवाई, मैंने कहा भाई मुझे ना 2.5 kg चाहिए फिट के पीछे, कम से कम इतना हो, ज़्यादा हो जाए थोड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना कम से कम हो, तो उस हिसाब से मैंने बनाया है जी। तो ये है, बाकी अगर आपका अभी भी क्लियर नहीं हुआ कुछ तो आप मुझे बता सकते हैं। पता क्या है यार, मैं अकेला हूँ तो इस हिसाब से ही वीडियो बनेगी। अगर मुझे कोई मिल जाए बंदा, जैसे मैं कोई बंदा रखा हुआ था पहले कैमरा पकड़ने के लिए, तो उस हिसाब से अलग वीडियो बनती है। मैं खुद ही सोच रहा हूँ, खुद ही बता रहा हूँ जो मुझे दिमाग में आ रहा है, खुद ही मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और काफ़ी काम करना पड़ता है मेरे दिमाग में। पता क्या, मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है, अभी ये भी काम करना है आज, यार ये भी काम करना है अभी, ड्रिंकर धोने हैं, पंजी लगानी है, फिर तो आज नहीं मतलब डालेंगे आज, ये पर्दा भी निकालना है, ये एक दिमाग में आ रहा है। और तो मुझे कई चीज़ें भूल रहा हूँ मैं बताने के लिए, इसलिए मुझे ना बता दिया कीजिए अब कौन सी चीज़ आपको जानना है इसमें, ठीक है। तो काफ़ी हद तक है मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो इस तरीके से आप फार्म बनाइए तो। और बाकी और इसमें क्या है, अगर आप कोशिश करेंगी, अगर विंचिंग सिस्टम लगा सकते हो लगा लीजिए, अगर नहीं लगवा सकते तो मत लगाइए, ठीक है। विंचिंग सिस्टम बाद में लगा लेना जब इसी सेट करोगे, अगर इसी करना है तो साथ में विंचिंग लगा लीजिए, ठीक है। और मोटे पर्दे होते हैं पैराशूट वाले, वो ज़रूर लगवाना, पैराशूट वाले पर्दे ज़रूर लगवाना इसी सेट में जी। ओपन में तो ये नॉर्मल भी चल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसी सेट बनाना जिससे कि सर्दियों में कोई दिक्कत ना आए और गर्मियों में कोई दिक्कत ना आए। अगर ओपन शेड बनाना है तो इस तरीके से बनाना, और इस तरीके से बनाकर आपको इसके बीच में ये है ना, जैसे जो पाइप लाइन होती है बीच में, इसमें आपको फोगर लाइन देनी है, कि फोगर लाइन जिससे क्या होगा कि गर्मी आएगी तो आपका फवारा जो फोगर होते हैं वो चलेंगे, उससे बच्चा थोड़ा गीला होगा, फिर पंखे चलेंगे उससे बच्चा बिल्कुल फ्रेश महसूस करेगा, और उससे क्या होगा इसको गर्मी नहीं लगेगी, तो इसे हीट स्ट्रोक नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। और चाहे इसी फार्म हो चाहे ऊपर शेड हो, सबसे ऊपर जो मैंने बताया आपको, जैसे ऊपर शेड वाली है, ऊपर शेड वो शेड बनाना ऊपर इसी हो, अगर सिंगल बनानी है तो सेम वैसी बनाना जो ऊपर दिखाया मैंने, चाहे ओपन हो चाहे इसी शेड हो, सिंगल बनाना है। अगर डबल बनानी है तो ऐसी शेड बनाना जैसे नीचे है और सेम ऊपर, ठीक है, डबल ऐसे बनेगी, ऐसी सिंगल नहीं बनेगी। सिंगल अगर ऐसे बनाओगे तो जो ऊपर मिट्टी डली होती है उससे क्या होता है, वो पानी टपकता है, बारिश आएगी पानी टपकेगा, तो फिर ये मिट्टी आपको हर साल चेंज करनी पड़ेगी, इससे आपकी परेशानी और बढ़ेंगी, ठीक है। यहाँ के जितने फार्मर हैं, कईयों को सिंगल फार्मर जैसे ऐसी छत बनाई हुई है तो उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है मानसून में, जब मानसून आता है या कुछ आता है, ठीक है। इसलिए हमेशा ही 2 कदम आगे का सोचिए, ठीक है। मुझसे जो गलती हुई, मुझसे गलती क्या हुई, एक तो मैंने बॉक्स नहीं बनाए, दूसरा मैंने ये ड्रिंकर लगा लिए,
ये मुझे नहीं लगवाने चाहिए थे, मुझे वो लगाने चाहिए थे, निप्पल ड्रिंकर लगवाने चाहिए थे। अब सोच रहा हूँ चलो अगली बार कोशिश करूँगा कि मैं सेट को इसी कर दूँ, उसको तड़वा कर मुझे अब चार चार साढ़े चार चार फिट तड़वा कर दो उधर पंखे लगाऊँगा, सेम ऊपर लगाऊँगा, ठीक है। उससे थोड़ी मजबूती कम हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैं करवाऊँगा गड्ढा, क्योंकि अगर वो सीधे लगाऊँ तो शायद हो सकता है नीचे भी आ सकता है वो। उसको इस तरीके से कटवाऊँ कि जिससे कोई परेशानी ना आए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बनाना है, ये चीज़ें पहले ही सोच लेनी जो मैंने आपको बताया, जो बड़ी गलतियाँ हैं ना वो मैंने आपको बताई हैं। बाकी फिर भी अगर आपको नहीं समझ कुछ आया तो मुझे आप बता सकते हैं और मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और ज़्यादा, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आप पूरी देखना, आपको हर चीज़ समझ आएगी। धन्यवाद।